नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेनो न्यूज में। और आज जो है सुरेंद्र नागा जो राज्यसभा के सदस्य हैं भाजपा के, उनको बीजेपी का राज्य सचिव बनाए जाने पर पूरे गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर में जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। इसी क्रम में इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के रामलीला मैदान सेक्टर पाई में, जहां पे सर समाज संगठन के द्वारा एक भव्य स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बगायदा सुरेंद्र नागर को देखने, उनसे मिलने, उनका स्वागत करने भारी भीड़ आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में जन सैलाब जो है यहाँ पे उमड़ा हुआ है। वो अपने नेता सुरेंद्र नागर का ये लोग स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, उनकी एक झलक पाना चाह रहे हैं। और एक बड़े माला जो है उससे उनका बकायदा स्वागत किया गया। भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता और ब्लॉक प्रमुख वो लोग भी यहाँ मौजूद रहे, नवाब सिंह नागर, तेजा गुर्जर, विजेंद्र भाटी जैसे जो शरीके जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो शामिल हैं। बकायदा यहाँ पे संगीत का कार्यक्रम भी चल रहा है, स्वागत गीत का कार्यक्रम चल रहा है, रागनी के माध्यम से सुरेंद्र नागर का स्वागत किया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्र सचिव ने जनता को क्या कुछ संदेश दिया, सुनते हैं। आज आपका स्वागत हो रहा है, सत्कार हो रहा है, सारा समाज जुटा हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि गौतम बुद्ध नगर को उन्होंने राष्ट्रीय टीम में अवसर दिया मेरे रूप में। और हमारा एक ही लक्ष्य है, हम कार्यकर्ता हैं सब भारतीय जनता पार्टी के, और हमारा लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जीतें, देश में 300 से ज्यादा जी सीटें दें और नरेंद्र मोदी जी को एक बार पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। इस सब के लिए हम लोग एक एक कार्यकर्ता, मैं भी उनमें से एक हूँ, हम सब लोग मिलकर नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का और 300 से ज्यादा सीटें जीतने का काम कर रहे हैं। लोग भी देख रहे हैं, पूरा समाज जुटा हुआ है, तो क्या संदेश उनको क्या देना चाहिए? देखिए, ये सब जो लोग आए हैं ये मेरा स्वागत करने नहीं आए, ये केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का, उनका आभार व्यक्त करने आए हैं कि उन्होंने जो ये जिम्मेवारी दी है, जो सम्मान दिया है, उस हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये आभार व्यक्त करने के लिए सब लोग यहाँ। पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका बहुत यहाँ दबदबा माना जाता है, जोरदार स्वागत है, जो जनसभा है, पूरा जो सारा सैलाब है वो आपका स्वागत भी करता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जा सकता है जो 2024 है तो कहीं ना कहीं लुभाने के लिए आपके द्वारा। देखिए पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, नेता हमारे की है नरेंद्र मोदी जी, उनको एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब एक टीम के रूप में काम करेंगे, यही हम सबका प्रयास है। और उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार है उसके जो काम है उनके आधार पर एक बार 80 के 80 सीटें उत्तर प्रदेश से जीते, इस सब के लिए हम मिलकर काम करेंगे। तो आप सुन सकते हैं कि पीछे जो है जय श्री राम के जयकारे लग रहे हैं, सुरेंद्र नागर जिंदाबाद के जयकारे लग रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्रेनो न्यूज को सब्सक्राइब करें। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित प्रियदर्शन, ग्रेनो न्यूज़।